सैलरीज नहीं दी जा रही हैं प्लेयर्स को, फिर बाबर आजम जब राबता कर रहे हैं तो जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो कोई रिस्पांस नहीं कर रहे उनको। बदकिस्मत ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों की। कहावत आपने सुनी होगी कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। ये कहावत आपने बड़ी सुनी होगी, गांव देहात में इस तरीके की कहावतें बड़ी होती है, और ये कहावत इस वक्त पाकिस्तान पे बिल्कुल सटीक बैठती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पिछले 4 महीने से सैलरी तक नहीं मिली है और अब उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर भी खतरा मंडरा रहा है। 5 महीने से खिलाड़ियों को तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही? एक उसका बोर्ड का प्रोसीजर होता है, जो भी खिलाड़ी होते हैं दे हैव टू साइन दी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, उसके ऊपर कुछ उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ बोर्ड के ऊपर होती है, एक मुआहदा होता है। उस मुआहदा जब साइन करते हैं तो फिर हमारे अकाउंट्स वाले पैसे रिलीज करते हैं और पैसे उनके अकाउंट्स में जाते हैं। ऐसा आप हिंदुस्तान से पाकिस्तान आईसीसी और आईसीसी आपके पाकिस्तान आता है, कल कहते नहीं देते पैसा आईसीसी को, जी हम नहीं देते, क्या कर लेंगे आप? रेवेन्यू स्ट्रीम कहां से लाएंगे हम? हम बच्चों को कहां से पैसा बना के देंगे? आप अपने क्रिकेटर को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, आपके यहाँ लोग कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, चंद्रयान पे जाने तक की बात कर देते हैं कटोरा लेकर। आपने बताया बिजली आपके यहाँ है नहीं, पानी की समस्या आपके यहाँ है, बेरोजगारी आपके यहाँ है, जिस आतंक को आपने पाला है, जिस आतंक को आपने पोषा पालन पोषण किया है, वही आपको नुकसान कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहाँ साल 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम के रिनोवेशन पर जमकर पैसे बरसा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ियों को पैसा नहीं देने से उस पर कंगाल होने का भी आरोप लग रहा है। बंद कर दो ना मेरे घंटे के, बेस्ती तो हो रही है। हारिस सोहेल का घोटे का ऑपरेशन कुछ और था, करवा कुछ हो दिया। इमेजिन करो, टीका हाथ में पकड़ा हुआ है, सुई लगा दी, तो मैं कही टीका किधर है, टीका किधर, सर मैं बोल के टीका हाथ में रह गया। ये तो पाकिस्तान टीम के डॉक्टरों का हाल है, क्या क्या बताएं, उस चोट इधर लगी है, सारा गंजा कर दिया है, पीसीबी है, एक डॉक्टर है हमारा। अगर हम पास्ट में चले जाएं, चले अभी की मैनेजमेंट ना देखें, पास्ट में चले जाएं, कुछ ऐसे मैनेजमेंट थी जी जहां थिंग्स वर वर्किंग इन अ बेटर वे, और अगर वो चलते चलते रहते तो शायद हमारी इधर ये पोजीशन ना होती, जब हम यही उखाड़ पिछाड़ ने बहुत दंड मचाया। मुकाबला हम अपना बीसीसीआई से, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से, इंग्लैंड से करते हैं, औकात हमारी जिम्बाब्वे और युगांडा वाली है, यकीन करें पैसे हमारे पास उतने भी नहीं होंगे, बातें बड़ी करोड़ों करोड़ों की करेंगे, लेकिन हम हमारी दुकान पकौड़ों की है, हमें आता जाता कुछ नहीं है, मतलब कितनी शर्म की बात है। एक बात ये तो सही है कि प्लेयर्स अगर अपने आप को कंपेयर करेंगे कि उनका जितना टैलेंट है, जितना उनका पोटेंशियल है, उसके हिसाब से इंटरनेशनल प्लेयर्स से जब वो कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा अंडरपेड तो जरूर है। तकरीबन कोई 2 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 4 चेयरमैन तब्दील हुए। जब चेयरमैन तब्दील होता है पाकिस्तान में, उसकी पॉलिसीज तब्दील होती है, कोचेस चेंज होते हैं, मैनेजमेंट चेंज होती है, पीसीबी मैनेजमेंट में उखाड़ पिछाड़ होती है। ये सारी आपने तमाशा एक बार फिर देखा होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, ये कमेटियां बना दीजिए, कौन सी कमेटियां आप बना दीजिए। हमारा पीसीबी ना वो कहता है ना कि बंदा अंदर से खाली होता है लेकिन बाहर से ऐसे दिखाते हैं, पता नहीं हम तो बड़े चौधरी हैं लेकिन है घंटे। पैसा तो बिल्कुल हमारे प्लेयर्स को इतना पैसा नहीं मिलता, लेकिन फैसल हम अगर अपनी मार्केट को देखें, हमारी जो इकोनॉमी की सूरत हाल है उसके बावजूद क्रिकेटर्स के पैसों में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि कई क्रिकेटर्स तो खुशी से कहते हैं भाई आज तो डॉलर जो पीसीबी के मामला तब खुलकर सामने आने लगे हैं। पाकिस्तान ही के एक फेमस स्पोर्ट जर्नलिस्ट, उन्होंने ये खबर ब्रेक की कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ी हैं उनको 4 महीने से सैलरीज नहीं दी गई। ये बहुत ही हैरानकुन बात थी, जब मीडिया ने इसकी तफ्तीश की तो यही पता चला कि जितने भी पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हैं, उनको 4 महीने से पैसे इसलिए नहीं दिए गए कि स्टेडियम की रेनोवेशन का काम जारी है, जिसकी वजह से फंड सारा वहीं चला गया है। और अब जब चैंपियन ट्रॉफी होगी, जिसके रिजल्ट में जो फंड पाकिस्तान को मिलेगा, जो होस्टिंग राइट है ब्रॉडकास्टर का, जितना भी पैसा इन्वेस्ट होगा, उससे सैलरीज देने के बारे में सोचा जा रहा है। तो ये बहुत ही एक खिलवाड़ वाली बात है खिलाड़ियों के साथ भी, कि जिनका दारोमदार वो इसीलिए क्रिकेट खेल रहे हैं कि अपने फैमिली को इन जो सैलरी वगैरह मिलती है उससे अपना सर्कल वगैरह चला सकते। तो अब पाकिस्तान के कुछ दिग्गज खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी इस बात पर नोटिस लिया और फिर ना इस पर उन्होंने खूब एनालिसिस किया है। हमने कुछ क्लिप्स आपके लिए इकट्ठे किए हैं, आप उन क्लिप्स को सुनें और उनको महजूज हो, इंजॉय करें। बाकी मज़ीद अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन के ऊपर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मज़ीद आप अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अब आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दूसरी तीसरी दफा आ गई है एक साल में कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिछले 4 महीनों से सैलरीज नहीं मिली। मतलब ये बात अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट वर्ल्ड कप में आप चले जाओ, 2023 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी तो तब भी पाकिस्तानी प्लेयर्स ने ये शिकायत की थी पीसीबी से कि हमें कुछ महीनों से सैलरीज नहीं मिली।
मतलब हमें ना मैच फीस मिल रही है ना सैलरीज मिल रही है, मुफ्ते पे हम खेल रहे हैं। और इसीलिए तो बांग्लादेश ने पकड़ कर घंटा बजाया ना हमारा भाई। पहली बात है प्लेयर को सैलरी नहीं मिल रही, देखो जिस तरह भी खेलते हैं नहीं खेलते हैं, अलग चीज है। पीसीबी सैलरीज क्यों नहीं दे रहा? देखो मुकाबला हम अपना बीसीसीआई से करते हैं, औकात हमारी जिम्बाब्वे वाली है, मुकाबला हम अपना बीसीसीआई से, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से, इंग्लैंड से करते हैं, औकात हमारी जिम्बाब्वे और युगांडा वाली है। यकीन करें पैसे हमारे पास उतने भी नहीं होंगे, बातें हम बड़ी करोड़ों पकड़ों की करेंगे, लेकिन हम हमारी दुकान पकड़ों की है, हमें आता जाता कुछ नहीं है। मतलब कितनी शर्म की बात है कि इस टाइम पूरे वर्ल्ड में ये न्यूज चल रही है कि पीसीबी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को सैलरीज नहीं दी पिछले चार महीनों से। लास्ट साल भी वर्ल्ड कप में भी ये बात चली थी, लास्ट ईयर भी, तो पीसीबी ने अपने प्लेयर्स को सैलरीज नहीं दी, तो बड़ी इंसल्ट की बात होती है। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप एक टूर्नामेंट होस्ट करने लगे हो, पता नहीं करते हो कि नहीं करते, उससे पहले आप बैंकरप्ट हो चुके हो। बस बात करूंगा, दिल की बात करूंगा, क्योंकि एक आर्टिकल पढ़ के मेरे दिल में ख्याल आया कि यार हम भी, हमारी भी कहीं ना कहीं गलतियां जरूर हैं, हम भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बंद कमरों में होनी चाहिए वो पूरी दुनिया के सामने हम अपने पेट नंगा करते हैं, फिर बिलावजह की कॉन्ट्रोवर्सीज खड़ी होती है, बिलावजह का लोग मजाक उड़ाते हैं, फिर हम नाराज हो जाते हैं। अच्छा कुछ फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी गलती है, कुछ प्लेयर्स की भी गलती है कि भाई अगर एक डिसीजन लेना है, अगर आप चाहते हैं कि एक डिसीजन लिया जाए, जिस डिसीजन की शुरुआत मैं कैटेगोरिकली आपको कंफर्म कर दूं कि 25th of June 2024 को हो चुकी थी, तो वो फैसले ले लेना चाहिए। पता नहीं किस बात का हम लोग इंतजार करते हैं, पता नहीं किस चीजों का हम इंतजार करते हैं कि और कौन सी मुसीबतें हमारे दर पे आके दस्तक दें और हम दरवाजा खोल के बोलें आओ जी मुसीबत हमारे घर में मेहमान बनो और हमारा और मजाक उड़ाओ। सो भाई साहब लेटेस्ट कंट्रोवर्सी, और वो कंट्रोवर्सी एक ऐसी है जो कि दोनों पार्टीज की तरफ से अवॉइड की जा सकती है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ पेट हल्के हैं, कुछ प्लेयर्स हैं जो कि नैरेटिव्स पेडल करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। चैंपियंस ट्रॉफी का काम इस वजह से स्लो किया जा रहा है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। यकीन करें कुछ बंदे तो ये बातें भी करते हैं कि सर इस वजह से कम बंदे लगा के काम स्लो करवाया जा रहा है कि पीसीबी के पास पैसे नहीं है। अब मुझे बताओ ना, मैंने तो ये बात नहीं ना की, या इसमें मेरा कसूर तो नहीं ना कि पीसीबी पाकिस्तानी प्लेयर्स को सैलरी नहीं दे रहा? ये पूरी दुनिया ने अब सुना ना, इसमें मैं क्या करूं? अब एक चीज ही गंदी, एक न्यूज ही गंदी है तो उस पर बंदा फिर जलील ही हो सकता है ना। मुझे भी शर्मिंदगी होती है यार, ये क्या हो रहा है? रोज डंडी रोना, रोज डंडी रोना, रोज डंडी रोना, तो खत्म ही नहीं हो रहा। कभी प्लेयर को सैलरी नहीं मिल रही, कभी किसी टीम से हम हार रहे हैं, कभी फिक्सिंग हो रही है, कभी कोई प्लेयर किसी के साथ लड़ रहा है, कभी कोच को गालियां पड़ रही हैं, कभी सिलेक्टर गालियां दे रहा है, कभी बाबर लड़ रहा है, कभी शहीन लड़ रहा है, कभी टेपिया लड़ रहा है, कभी रिजवान लड़ रहा है, कभी आमारी मार, पता नहीं इनका रंडी रोना खत्म ही नहीं हो रहा। पाकिस्तान क्रिकेट है या पता नहीं कपिल शर्मा का शो है, जहां कॉमेडी बंद ही नहीं हो रही, हर दूसरे मिनट में कॉमेडी आ जाती है, हर दूसरे मिनट में कोई ट्विस्ट आ जाता है। भाई कर क्या रहे हो आप लोग? ना आप क्रिकेट इंसानों वाली खेल रहे हो, ना आप किसी टीम से जीत रहे हो, ना आपकी टीम में यूनिटी है, ना आप पीसीबी पाकिस्तानी प्लेयर्स